और इसमें शिया सुन्नी सब मिलकर काम करेंगे। केजरीवाल जो मुसलमानों के हमदर्द बनावे सारे वोट लिए, और ये बरतुल्ला खान जो मुसलमान बनता है, ये सब का सब ये लाभ दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है। ये जो मुसलमानों को तबाह करने की साजिश है, वो हम साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये अमानतुल्ला नहीं है, खयानतुल्ला है। ये जो अमानतुल्ला खान है और केजरीवाल है, इन लोगों ने ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची है। केजरीवाल साहब मुसलमानों के हितेशी बनने का जो ढोंग रचते हैं, ये उस साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कोई भी वक्फ बोर्ड का फैसला, जैसा भी महमूद प्राचा साहब ने बताया, बोर्ड लेता है। अगर टू मैन कमेटी में अपीयर नहीं होना है, उसका फैसला बोर्ड लेगा। कोर्ट जाना है, उसका फैसला बोर्ड लेगा। इस मामले के अंदर कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठ के सीएम हाउस में ये फैसला हो रहा है कि हमें वहां अपीयर नहीं होना है, हमें उस कोर्ट में पेश नहीं होना है। तो इससे साफ साबित होता है कि वक्फ बोर्ड की तमाम धांधली, तमाम षड्यंत्र जो है, खुद सीएम के आवास पर बैठकर बनाए जा रहे हैं और अमानतुल्ला खान उनको एग्जीक्यूट करते हैं। और ये बात हम आज नहीं कह रहे हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश इलेक्शन के टाइम पर जब हमने सबूत जारी किए थे कि अमानतुल्ला खान ने ये कहा था कि मुझे 500 करोड़ रुपया केजरीवाल साहब को देना है उत्तर प्रदेश इलेक्शन के लिए वक्फ बोर्ड से, इसलिए मेरी मजबूरी है, मैं वक्फ ज्यादा बेच रहा हूँ। जिसके बाद हमने सीएम आवास से लेकर सब जगह एहतजाज किए थे और सबूत दिए थे ले जाकर कि हम ये नहीं होने देंगे। तो आज वो कॉन्स्पिरेसी साफ हो गई है कि डिप्टी एलएनडीओ ने एक गलत लेटर लिखा कि किसी स्टेक होल्डर का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए ये केस खत्म हो गया। और अमानतुल्ला खान ने फौरन उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तस्लीम कर लिया कि हाँ हमने जवाब नहीं दिया था क्योंकि हम कोर्ट गए हुए हैं। तो ये पूरी तरीके से हमारे केसेस को, इन वक्त जायदादों को लूटने की एक बड़ी साजिश तो है ही, साथ में इसकी असली साजिश जो है वो आप सबको समझना जरूरी है। ये साजिश है एक ऐसा माहौल पैदा करने की ताकि मुसलमानों के अंदर अफरा तफरी फैल जाए। जब आप समझिए कोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड नहीं जाएगा, एक ऑर्डर पास हो गया, जैसे आज ऑर्डर पास हो गया है कि सब वक्फ प्रॉपर्टीज पर नोटिस लगाया जाए, तो ये नोटिस अगर जहां पर लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, यहां पर अगर आजकल को कोई कब्जा लेने के लिए नोटिस लेके आएगा तो लाखों लाख लोग यहां इकट्ठा हो जाएंगे। और जब वो इकट्ठा होंगे, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये जमीन उनकी है, तो फिर ये जो मक्कार ये है अमानतुल्ला खान, वक्फ चोर वक्फ खोर अमानतुल्ला खान, ये अरविंद केजरीवाल के साथ मुसलमानों का हितेशी बनकर खड़ा हो जाएगा। ये खड़े होकर फिर कहेंगे कि हम जान दे देंगे मगर वक्फ जायदाद नहीं जान देंगे, जबकि अगर देखा जाएगा तो पूरी कॉन्स्पिरेसी खुद सीएम आवास के ऊपर रची गई है। इसके पुख्ता सबूत है, अमानतुल्ला खान ने कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं किया है, जिसके वजह से और ना ही किसी मेंबर को बताया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिस जगह आज आप अब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये खुद एक वक्फ प्रॉपर्टी है जो 123 वक्फ प्रॉपर्टीज की लिस्ट के अंदर है। यहाँ आप देख सकते हैं आपके पीछे, ये वो जगह है जहाँ मुहर्रम के मौके पर खुद होम डिपार्टमेंट तक का इन्वॉल्वमेंट होता है, और 70 ताजिए तो एक ही जगह दफन होते हैं 10 मुहर्रम को। उसके अलावा चेहलुम के मौके पर जामा मस्जिद से यहाँ आता है, साथ में बुलबुल आता है, पूरे साल यहाँ पर जायरीन आते हैं। यहाँ पीछे देखेंगे आप मजार और कब्रें आपको सब जगह मिलेंगी। इसकी चार दीवारी खुद गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 350 साल पहले बनाई गई थी। करबला 800 साल पुराना रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ये वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो भारत सरकार मानती है, जो गवर्नमेंट मानती है कि इस करबला की चार दीवारी 350 साल पुरानी। इस जगह के लिए एक विश्व हिंदू परिषद, इन्होंने एक केस दायर किया जिसके अंदर ये कहा गया कि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज को सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दिया है, जो अपने में ही एक बोगस बात थी, जिसका सबूत ये है कि वक्फ बोर्ड का खुद जो है वो आजादी के बाद बना है, और भारत सरकार की बात जहां तक है देने की तो ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये वक्फ जायदादें सैकड़ों सैकड़ों साल से वक्फ के तौर पे इबादत के लिए, रिलीजियस अरकान के लिए इस्तेमाल होती रही। अब जहां तक बात है अभी वक्फ बोर्ड के टूमन कमेटी को जवाब ना देने की, तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देखेंगे, ये अंजुमन हैदरी जो लार्जेस्ट शिया ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान की, हम लोगों ने इस पूरी प्रोसीडिंग के अंदर बाकायदा पार्टिसिपेट किया, और खाली टू मैन कमेटी में नहीं, इससे पहले वन मैन कमेटी बनी थी, वन मैन कमेटी के अंदर भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद टू मैन कमेटी के अंदर हम लोगों ने हर तारीख पर जाकर पार्टिसिपेट किया, जिसकी तारीख है 23/5/2022 की भी है, 1/6/2022 की भी है, 21/6/2022 की भी है, 4/7/2022 की भी है, हम हर तारीख पे गए। हमने तमाम सबूत और दस्तावेजात वहाँ टू मैन कमेटी में दिए, एक रिटायर्ड जज साहब होते थे, रिटायर्ड एसडीएम होते थे, और वहां पर हर बार
बार डीडीए ने आने के बाद ये कहा कि हमारे पास कोई सबूत ऐसा नहीं है कि ये वक्फ जायदाद नहीं है, हम कुछ नहीं देना चाहते। हमने बार बार कहा कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो हमें दें, हम उसका जवाब देंगे, मगर वहां पर कोई सबूत डीडीए प्रोड्यूस नहीं कर पाया। इसी तरह हमारे इमाम हॉल की तरफ से भी जो हमारा वक्फ है और बहुत सारे मुतवल्लियान ने वहां पर जवाब दिए, मगर उसके बाद जिस तरीके से ये लेटर लिखा गया है जो अभी डिप्टी एलएनडीओ ने कि कोई रिप्रेजेंटेशन, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से जवाब लिया जाए, उनके ऑब्जेक्शंस लिए जाएं। तो जब स्टेक होल्डर्स में जो हम गजटेड मुतवल्ली हैं हम सबने अपने जवाब दे दिए, तो फिर ये ऑर्डर जो निकाला गया कि कोई जवाब नहीं आया, ये पूरी तरह एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। और आज जो लेटर लिखा गया है आपने देखा होगा, जो अभी कॉपी दी गई है, जो वक्फ बोर्ड की मेंबर है नईम फातिमा, उन्होंने हैरानी जाहिर की है कि इस तरीके से कैसे हो सकता है, बोर्ड मेंबर्स को बताया ही नहीं गया है। तो इस हालात के अंदर अब जो ये चीजें सामने आई हैं, तो हम लोग अभी महाकल्बे जवाब साहब आगे का लाइन ऑफ एक्शन बताएंगे, मगर हम इस पे जल्द ही FIR भी कराएंगे अरविंद केजरीवाल और रहमतुल्लाह खान के खिलाफ। और जो ये नाटक रचा जा रहा है कि हम वक्फ जायदादों को बचाएंगे, ये बचाने वाला नहीं है, ये रक्षक नहीं है, भक्षक है असलियत में, यही वक्फ खोर है। इसने आज समझ लीजिए ये कैसा चेयरमैन है, इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ जमा है, उसके बावजूद ये बोर्ड में जा रहे हैं। एंटी करप्शन ब्रांच ने इन्हें अरेस्ट किया अभी वक्फ चोरी के मामले में, उसके बावजूद ये सबूत मिटाने वहां जा रहे हैं। ईडी के अंदर इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, इसके अलावा ACB में चल रहा है, दिल्ली पुलिस में चल रहा है, तमाम जगह इनके वक्फ के लूटखोरी का मुकदमे चल रहा है, और अब फिर वही क्राइम जो है ये दोबारा कर रहे हैं, जिससे साफ साबित हो रहा है कि ये ही असली कॉन्स्पिरेटर हैं, और इसमें अरविंद केजरीवाल इनके पीछे से मदद कर रहे हैं, और ये एक बड़ी साजिश है जिसे हमारी केंद्र सरकार को भी समझने की जरूरत है कि ये इनके ट्रैप में ना आए। ये केजरीवाल का एक ट्रैप है, जिस ट्रैप में ये चाह रहे हैं कि मुसलमान आ जाएं, सड़कों पे आएं, और फिर केजरीवाल जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। तो इसके लिए जल्द FIR भी होगी, और हम लोग यहां पर दरगाह शाह मर्दा जहां हमारा हेड ऑफिस है एक हेल्पलाइन सेंटर भी हम खोल रहे हैं। इस 123 प्रॉपर्टीज को लेकर जो भी हमारे मुतवल्लियान हैं उन तमाम लोगों की हम पूरी तरह मदद भी करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो खुद इन वक्फ जायदादों को लुटवाने के लिए कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, देश का माहौल खराब करना चाहता है। साथ ही हमने एक फोन नंबर हेल्पलाइन जारी किया है जो अभी से चालू हो जाएगा, 8750947869। कोई भी शख्स जो इस ऑर्डर से इफेक्टेड है या जो वक्फ बोर्ड की इन बेईमानियों से आजिज आकर अपने वक्फ जायदाद पे जो है उसका हक होने के चांस हो रहे हैं, वो हमसे रब्ता करें। महमूद प्राचा साहब और हमारे चीफ पैटर्न महाकल्बे जवाब साहब जो हमारी सेव वक्फ मूवमेंट के सबसे मेन पिलर हैं, इनकी सरपरस्ती के अंदर हम इस पूरी मुहिम को चलाएंगे।